और दोस्तों मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बर्फी देवी की बेटी नीलम सभी के सामने एक्सपोज होती है, क्योंकि नीलम का जो इस समय जो अवतार है वो अवतार सबके सामने ये दिखाती है कि कितनी संस्कारी हैं। लेकिन दोस्तों अब नीलम को भी पूरी तरीका से पता चल जाएगा कि आखिरकार मासूम तुम्हें किस तरीका से उड़ाती है, क्योंकि दोस्तों मासूम ने टारगेट जो किया है इस समय बर्फी देवी की बेटी को पूरी तरीका से टारगेट किया है। और बर्फी देवी की बेटी की बात की जाए तो उसका दो रूप हैं और दोनों रूपों में से एक रूप तो सभी लोग देख चुके हैं और एक रूप में बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक बार फिर से नया अपडेट और मिलकर देखने को मिलेगा, जिसमें बोलती हुई नज़र आने वाली है बर्फी देवी मलिस्का। बर्फी देवी बोलती हुई नज़र आने वाली है मासूम से कि मासूम, जितनी तुम चालाकी कर रही हो ये चालाकी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपनी सिपाही तो मैं तुझे इस घर से बाहर फेंकवा दूंगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सभी घर वाले जो कि लगातार सवाल पर सवाल खड़े करेंगे, वो भी बर्फी देवी की बेटी के ऊपर, क्योंकि दोस्तों बर्फी देवी की बेटी ने ही कांड किया है तो सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। और सभी लोग इस समय बहुत ज़्यादा सस्पेंस में हैं और सभी लोगों का मानना भी ये है कि आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से बर्फी देवी की बेटी लगातार एक से बढ़कर एक कांडों में फंस रही है नीलू, क्योंकि नीलू की हरकत अब इस समय बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं और इसीलिए अब फाइनली एक चाल चली जाएगी मासूम के थ्रू। लेकिन मासूम को भी इस घर से निकलने का डर है, क्योंकि वो जानती है कि बर्फी देवी जब चाहेगी मुझे इस घर से बाहर फेंकवा देगी, क्योंकि बर्फी देवी के कब्जे में इस समय मीत अलावत हैं। लेकिन मीत अलावत अब ज़्यादा समय कब्जे में नहीं रहने वाले, क्योंकि अब मीत हुड्डा की बॉन्डिंग अच्छी खासी हो चुकी है मीत अलावत के साथ में। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइस। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा। लव यू गाइस एंड लव यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।